नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान दंड बैठक के अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, हनुमान दंड बैठक के 20 अभ्यास होते हैं, जिसमें से 8 बैठक होते हैं और 12 दंड होते हैं। इनमें से आज हम आपको 8 बैठक का अभ्यास कराएंगे। इन 8 बैठकों का अभ्यास हर वर्ग के व्यक्तियों ने करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हों। इसे करने से हमारा पूरा शरीर स्ट्रांग बनता है। हमारी ऑलराउंड फिटनेस के लिए इस दंड बैठक के अभ्यास को आप रेगुलर 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। आइए देखते हैं कि 8 बैठकों का अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इस 8 बैठक के नाम हैं। इसमें से सबसे पहली बैठक होती है साधारण बैठक, दूसरी बैठक पूर्ण बैठक, तीसरी बैठक का नाम राममूर्ति बैठक कहते हैं, चौथी और पांचवी को पहलवानी बैठक, छठी, सातवीं और आठवीं बैठक को हनुमान बैठक कहते हैं। इन 8 बैठकों को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। पहली बैठक साधारण बैठक, इसे करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों में अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रखते हैं और दोनों हाथ कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे रखते हैं। इसके बाद एक, आपने अपने पंजों के बल ऐसे बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहें, आपने एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों से थोड़ा सा ऊपर। दो, एक, दो, हाथ सीधे जाएंगे नीचे, सीधे ऐसे नीचे आएंगे, एक, दो, ऐसे ही इस सामान्य बैठक को आप 10 बार कीजिए। इनहेल करते हुए ऐसे बैठना है, एक्सहेल करते हुए ऐसे खड़े हो जाना है, एक, दो। इन बैठक के अभ्यास से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। एक श्वास में एक अभ्यास को किया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहता है। सांस छोड़ते हुए ऊपर। इसके बाद करेंगे हम दूसरी बैठक। इसके लिए आप दोनों हाथों को अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे बैठना है, एक्सहेल करते हुए सीधे। आपने अपने पंजों के बल ऐसे बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहें, इनहेल, एक्सहेल। इसको भी आप 10 बार कीजिए। इसे करने से आपके घुटने 100 वर्षों तक स्वस्थ रहेंगे। हमारे पैर, हमारी एड़ी, हमारे थाई, हिप्स के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद तीसरी बैठक करेंगे, राममूर्ति बैठक। दोनों हाथ कंधों के समानांतर बिल्कुल सीधे, एक, दो। इनहेल करते हुए आपने ऐसे बैठना है, पंजों के बल बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहें, एक्सहेल करते हुए खड़े होना है, एड़ी नीचे, इनहेल, एक्सहेल। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे राम मूर्ति बैठक को करते समय। इनहेल, एक्सहेल, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे रख लीजिए। चौथी और पांचवी बैठक को पहलवानी बैठक कहते हैं। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे और आपने अपनी जगह से थोड़ा आगे छलांग लगानी है, एक, दो, एक, दो, एक। पंजों के बल ऐसे आगे को छलांग लगा के थोड़ा बैठना है, दो। इनहेल करते हुए बैठना है, एक्सहेल करते हुए सीधे। इसे आप 10, 20, 50 बार कर सकते हैं। इसे करने से हमारे शरीर का अतिरिक्त फैट दूर होता है और हमारे शरीर को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए यह पहलवानी बैठक बहुत उपयोगी होती है। अब इसी पहलवानी बैठक का पार्ट टू, इसके लिए आप दोनों हाथ कंधों के समानांतर बिल्कुल सीधे और ऐसे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। हाथ बिल्कुल सीधे सीधे आगे जाना है, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब करेंगे हम हनुमान बैठक। इसे करने के लिए आप अपने पैरों में 4 से 5 फीट का गैप कर लेंगे और दोनों हाथ कंधों के समानांतर बिल्कुल सीधे रखने हैं। इसके बाद आपने एक, दो, पहले जितना हो सकता है उतना कीजिए, फिर एक, दो, ऐसे ही इनहेल करते हुए बैठे, एक्सहेल करते हुए सीधे। इसे भी आप 10 से 15 बार ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए।
जल्दी से कीजिए, फास्ट में। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सातवीं बैठक। इसे करने के लिए अपने पैरों में 4 से 5 फीट का स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कमर पर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे की तरफ रखना है और बायां पैर ऐसे, इसके बाद ऐसे बेंड होना है कि दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इस अभ्यास को दोहराना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए ऐसे बैठे, एक्सहेल करते हुए सीधे हुए। इस स्थिति में दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे, फिर आप फास्ट में कीजिए इसे। अब करेंगे आठवीं बैठक। इसे करने के लिए आप दोनों हाथों को अपने ऐसे मुट्ठी बांध कर अंगूठों को अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों में 4 से 5 फीट का स्पेस रख लेते हैं। फिर राइट साइड अपने घुटने को ऐसे बेंड कीजिए। इनहेल करते हुए ऐसे बैठे, एक्सहेल करते हुए सीधे हुए। इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को भी आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें करने से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। दोस्तों, इन 8 बैठकों का अभ्यास टीनेजर्स और यंगर्स लोगों ने तो जरूर करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।